नमस्कार दोस्तों, जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया हुआ है और ये बड़े खास तरीके से खास मौकों के लिए बुलाया जाता है। और जो बात उड़ रही है वो शायद एक बिल लाने की बात हो रही है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक ही इलेक्शन होने चाहिए। अब इसमें बहुत से मत हो सकते हैं क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जैसे जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, इन देशों में एक ही साथ सारे इलेक्शन होते हैं। भारत एक बहुत विशाल और बहुत ही विविधता भरा जो है एक देश है, इसकी ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है, बहुत कठिनाई वाले इलाके भी हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा रहा कि एक साथ इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर चुनाव सुधारों की बात करें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, उस तरह से इलेक्शन में जिस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है या फ्रीबीज देने की बात हो रही है, मुफ्त की घोषणाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में वो इलेक्शन रहते हैं, जिसकी वजह से जो एक परिवर्तन के बिंदु हैं, जो तेजी से चेंजेस होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। साथ ही साथ जो सरकार का कहना है वो ये है कि बहुत अधिक खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस होते हैं और डिले बहुत होता है। जैसे जहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाती है वहाँ प्रशासनिक मशीनरी नहीं काम करती है, चुनाव आयोग वहाँ काम कर रहा होता है और कोई ना कोई इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो हमारी राजनीति है वो फ्रीबीज की तरफ चली जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्रीय पार्टी है, जो राज्य की पार्टी, वो सब उस पूरी मैकेनिज्म को वहाँ झोंक देते हैं, इलेक्शन जीतना है, वो प्रोसेस को जो है करना है। ऐसी कंडीशन में जो है वो काफ़ी डिले होता है। तो भारत अभी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और सबसे बड़ी बात है 2047 तक हमने एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत तेजी से आगे चलें, हम बार बार अपने आप को रोके नहीं, या बार बार हमारी जो विकास की योजनाएं हैं या जो हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार बने रहना चाहिए, ताकि हमारी जो आज युवा आबादी जब वो बूढ़ी हो उससे पहले ही हम रिसोर्स बहुत बना चुके हों, पर कैपिटा इनकम जनरेट कर चुके हों, अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट कर चुके हों। पर वहीं एक दूसरी तरफ भी बात आ रही है कि लोकतंत्र को जो समझने वाले लोग हैं या बताने वाले लोग, वो कहते हैं कि इससे एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, तमाम विरोधी पार्टियों ने इस पर विरोध करना भी शुरू कर दिया है कि जो पॉपुलर है वो जो है वो आगे चला जाएगा और इससे जो राज्य के चुनाव होंगे वो प्रभावित होंगे। तो दोनों मत बने हुए हैं और चूंकि लोकतंत्र में विरोधों के लिए स्थान होता है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी निर्णय अपने समय के हिसाब से सही माना जाता है। अगर देखा जाए तो आज भारत को बहुत तेजी से ग्रोथ करने की आवश्यकता है। भारत ने लगातार पिछले 70-75 सालों में इन परंपराओं का पालन किया, राज्यों के चुनाव अलग हुए, केंद्र के चुनाव अलग हुए, लेकिन डेफिनेटली इसमें जो एक चीज़ देखी जा रही है कि आज जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसको बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, उसको बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, निवेश चाहिए और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत कम समय में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अब वो प्रौढ़ होने की तरफ बढ़ जाएगी, आज से 20-25 सालों बाद हमारे लिए वो जो डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बंद होने लगेगी, तो हमें बहुत जल्दी तेजी से करना होगा। तो निश्चित रूप से एक साथ चुनाव कराने के अपने कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य का समय बचेगा, राष्ट्र का समय बचेगा, संसाधन बचेंगे, एक साथ चुनाव होंगे तो जो विकास की योजनाएं हैं वो तेजी से लागू हो पाएंगी। बार बार आचार संहिता लागू होने की वजह से जो डिले हो रहा है उसमें जो है वो कमी आएगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत में ऐसा पहले भी रहा है। भारत में एक साथ चुनाव होने की परंपरा रही है, बीच में जब राज्यों की पॉलिटिक्स आने लगी और वहां बार बार विधानसभाएं जब भंग हुई तो वो फिर से अलग अलग चुनाव होने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं कि भारत के लिए कोई नया है, अगर कोई नया इसको सुन रहा होगा कि शायद कोई नया बिल आ रहा है या कोई नई चीज हो रही है, तो ऐसा नहीं है, भारत में पहले भी एक साथ चुनाव आजादी के बाद होते रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत उसको वापस ला सकता है, अपना समय बचा सकता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर जरूर बताएं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए तो क्यों और नहीं होने चाहिए तो क्यों। निश्चित रूप से ये जो डिबेट है वो हमारे बहुत ही काम की रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।